जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि सब कुछ किस्मत से होता है क्या। बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में यह प्रश्न हमेशा दोहराया जाता है कि क्या पंडित जी सब कुछ किस्मत से ही होता है। देखिए दोस्तों, मेहनत और किस्मत के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि हर चीज़ के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, किस्मत भी ज़रूरी है, लेकिन किस्मत और मेहनत का कॉम्बिनेशन जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। किस्मत और मेहनत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितनी मेहनत करेंगे उससे आप किस्मत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो किस्मत होती है, कई बार हम किसी जगह पर मेहनत करके पिक पॉइंट तक पहुँच कर वापिस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कर्म होते हैं दोस्तों। पुराने दौर से अर्थ है मेरा कि जो बीते भूतकाल में किए गए कर्म कोई जाने अनजाने में कोई ऐसे कर्म कर दिए जाए जिनसे किसी का दिल आत्मा दुख जाए, उनकी बद्दुआओं का असर है जो किस्मत के रूप में हमें परिवर्तित होकर मिलती है। जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करता है, किस्मत ये है दरअसल कि जो व्यक्ति रियली अच्छे काम करता है वो कम मेहनत में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। दैट इज़ किस्मत, ये उसकी किस्मत है कि उसको इतनी जल्दी मिल गया, कितनी कम उम्र में यह व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, इसकी किस्मत। दरअसल बात यह है कि उसके कर्म है इस पर। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों का ये व्यू होगा कि हमने तो कभी कर्म ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पर दोस्तों खुद का एनालिसिस, कभी भी हम गलत कामों के लिए कभी खुद का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई गलत शब्द भी बोले जाते हैं तो उसका भी हमारी किस्मत पर असर होता है। इसीलिए साधु संत परम जितने भी हैं रियल लोग, वो मौन रहते हैं, अपनी तप में ध्यान देते हैं और कभी भी वो किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हर एक चीज़ काउंट होती है जिन चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते। आपको केवल 10 मोर्चे पता है जहाँ पर लड़ना है, पर 1000 ऐसे मोर्चे हैं जहाँ पर आपको रोज़ लड़ना पड़ता है और आपको पता भी नहीं कि हम इस पर रोज़ लड़कर जा रहे हैं। आप जब चलते हैं तो हज़ारों जीव जंतुओं का प्राण चला जाता है। तो कई चीज़ें हैं, छोटी एक बहुत बड़ा विषय होगा अगर बहस इस विषय पर होती है तो। एक बहुत जो इसका सार है वो कुल मिलाकर यही आता है कि हमारी हर एक छोटी छोटी चीज़ें काउंट होती है। अब ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं हो पाया, किस्मत साथ नहीं दे पा रही है और हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, कुछ भी मत करिए। अब रोज़ सिर्फ आस्थापूर्वक ईश्वर की शरणागत चली जाइए, क्योंकि ईश्वर की शरणागत जाने से किस्मत भी आपका साथ देगी। आपके जितने भी कर्म हैं, अकर्म पाप है, उन्हें ईश्वर माफ़ करता है और आपका उद्धार होता है। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, ईश्वर का नाम ले, ओम नमः शिवाय का जाप करें या जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका जाप करते रहें कंटिन्यू। और कभी भी डरने और की बात नहीं है, कहीं भी डरे नहीं, अपनी हिचक ना रखें मन में और जो हो खुलकर जिए, बस यही निवेदन है। उन्हीं लोगों का किस्मत साथ देती है जो बिल्कुल हिचक और बेबाक होकर जीते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल कमेंट्स में लिखे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।